अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फहद और आज की वीडियो में मैं क्विक कंपैरिजन करने जा रहा हूँ इन्फिनिक्स नोट 7 वर्सेस हुआवे का Y8P। ऑलमोस्ट सेम स्पेक्स हैं और क्योंकि इस पर रैम और GB बिल्कुल सेम है, दोनों में 128 गिग्स की स्टोरेज आती है, साथ में आपको 6 गिग्स की रैम मिलती है। Y8P की जब बात करते हैं तो उसकी हम स्क्रीन साइज़ देख लेते हैं। तो Y8P की जो स्क्रीन साइज़ है वो कंपेरेटिव टू इन्फिनिक्स नोट 7 काफ़ी छोटी है, 6.3 इंच की 1080p डिस्प्ले की स्क्रीन है, जबकि इन्फिनिक्स की 6.95 इंच की 720 डिस्प्ले है। तो जब डिस्प्ले की बात करते हैं द क्वालिटी ऑफ डिस्प्ले, जाहिर सी बात है हुआवे इसमें आउटशाइन करते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं साइज़ की और साइज़ वाइज इन्फिनिक्स का फ़ोन काफ़ी बेहतर है। पीछे से शुरू करते हैं, पीछे आप कलर डिज़ाइन देख सकते हैं, दोनों प्लास्टिक बैग्स हैं। इन्फिनिक्स का फ़ोन थोड़ा सा भारी है, ये काफ़ी लाइट वेट फ़ोन है। क्वाड कैमरा सेटअप आपको मिलेगा इन्फिनिक्स में, ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा आपको हुआवे में, और फ्रंट में आपको सिंगल सेल्फी कैमरा भी मिलेगा। जब प्राइसिंग की बात करते हैं तो प्राइसिंग आपको 28,000 रुपये की इन्फिनिक्स की मिल जाएगी, कंपेयर टू 38,000 रुपीज़ फॉर हुआवे। तो हुआवे थोड़ा सा एक अपर साइड में है और नोइंगली कि इसमें गूगल सर्विसेज नहीं है, एक टफ टाइम देगा, एक इसको थोड़ी टफ टाइम मिलेगा पाकिस्तान मार्केट में। लेकिन हमें देखना है कि जब हम फोन्स कंपेयर करते हैं तो कौन सा क्विकर है, कौन सा बेहतर है। जब हम इन दो फोन्स की बात करते हैं तो उनमें से अभी तक तो मुझे कोई फ़ोन ज़्यादा एक दूसरे को आउटशाइन करते हुए नज़र नहीं आ रहा, हम एक कंपेरिजन करने जा रहे हैं इस वजह से। अच्छा, जो स्टैंड आउट फीचर इन दोनों में यही है कि हुआवे में 38,000 का जो फ़ोन है, एक इसकी डिस्प्ले बेहतर है और इसमें एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट रीडर है, कंपेयर टू हुआवे का इन्फिनिक्स का जिसमें आपको साइड पे पावर बटन के साथ ही फिंगरप्रिंट रीडर दिया है और साथ में 5000 mAh की बैटरी दी है। तो 5000 mAh बैटरी और हुआवे Y8P की 4000 mAh बैटरी, जाहिर सी बात है और 720 के साथ ज़्यादा चलेगा इन्फिनिक्स का फ़ोन, लेकिन हुआवे का भी पूरा दिन निकाल लेगा आराम से, कोई मसला नहीं होगा। आज हम शुरू करेंगे इसके फिंगरप्रिंट टेस्ट से इन 3, 2, 1। जैसे कि आपने देखा कि ज़्यादा तेज़ इन्फिनिक्स का था, हम पॉप से करेंगे, ऑलमोस्ट सेम था लेकिन इन्फिनिक्स का मुझे ज़्यादा बेहतर लगा है। हम बैक में सब कुछ बंद कर रहे हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं बैक में कुछ भी नहीं है। हम अब इसको टेस्ट करेंगे, इसकी एप्लीकेशंस, ये बेसिक सारी मेन एप्लीकेशंस है जो आपको दोनों फ़ोन्स में हम लोगों ने डाउनलोड की हैं। इस चीज़ का ख्याल रखते हुए कि हुआवे में मैंने ये थर्ड ऐप स्टोर से डाला है, जबकि इन्फिनिक्स में ये गूगल प्ले स्टोर से डाला हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं ब्राइटनेस वाइज इतना कोई इशू नहीं है, दोनों की ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा है। अब हम शुरू करेंगे इसका कंपेरिजन टेस्ट फेसबुक से। इन्फिनिक्स में काफ़ी तेज़ खुला, लेकिन ऑलमोस्ट सेम था, इस सच मैं नहीं कहता था कि कोई बहुत स्पीडी था। ट्विटर मेरे हिसाब से इन्फिनिक्स का पहले खुला है और इसी तरीके से थोड़े से डिफरेंट फीड्स आ रही हैं, लेकिन इन्फिनिक्स वाज मच फास्टर ओवर देयर। स्नैपचैट हुआवे का बेहतर लगा मुझे, इंस्टाग्राम हुआवे काफ़ी तेज़ था, और लेकिन जब हम फीड्स की बात करें तो दोनों साथ साथ फीड्स लोड हुई हैं। हम ओपन करेंगे अपनी प्रोफाइल वाइज आप जैसे कि नोट कर सकते हैं इन्फिनिक्स में काफ़ी तेज़ खुला है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इन्फिनिक्स मेड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होने शुरू हो रहा है, असेंबल हो रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो 28,000 का फ़ोन एक वेल एस्टेब्लिश ब्रांड को टफ टाइम दे रहा है और काफ़ी इन्फिनिक्स ने मार्केट गेन किया है। और मैं काफ़ी बार ये सोच चुका हूँ कि अगर मैं कोई सेकेंडरी फ़ोन रखूँ या मेन फ़ोन रखूँ, अगर कोई बहुत अच्छी क्वालिटी का आएगा तो वो इन्फिनिक्स का होगा, क्योंकि इन्फिनिक्स मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। अच्छा, हम लिंक्डइन खोल के देखेंगे, ये दोनों सेम थे। सर्वे सर्फर्स, अच्छा इसमें गेम मोड ऑन हो जाता है, दूसरी बार हुआ है, लेकिन उसके बावजूद आई गेस सर्वे सर्फर्स इसमें ज़्यादा बेहतर खुला है। स्क्रीन की जब बात करेंगे तो हुआवे की आप देख सकते हैं थोड़ी सी स्क्रीन आउट शाइन कर रही है इन्फिनिक्स को, लेकिन इतना मैटर नहीं करता वो चीज़, क्योंकि ये फ़ोन ज़्यादा स्पीडी वाइज मुझे इन्फिनिक्स का लगा है। जो इसका किरण जो इसका हीलियो प्रोसेसर है वो ज़्यादा तेज़ है, किरण 710F प्रोसेसर से। अब हम इसमें खोलेंगे
कॉल ऑफ ड्यूटी एक हैवी ड्यूटी गेम चेक कर लेते हैं। बिट फास्टर मुझे लग रहा है इन्फिनिक्स का फ़ोन, और जैसे कि आप देख सकते हैं उसकी लोडिंग तो काफ़ी तेज़ हो रही है, लेकिन कोई पता नहीं होता। और इनिशियल जो मेरा थॉट था, जैसे कि आप देख सकते हैं इन्फिनिक्स के फ़ोन ने इस पर पहले खोला है जो कि काफ़ी अच्छा है। अपेरेंटली मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे ये था कि किरण 710 प्रोसेसर ब्लेस थ्रू करेगा, लेकिन मे बी उस पर नहीं किया। तो इसके अलावा हम अब YouTube की एक चीज़ ओपन करके देखेंगे। हमने सारी एप्लीकेशंस खोली, मैं फ़ोन डाटा मैसेजेस और ब्राउज़र टेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि वो हर डिफरेंट होता है, ऑलमोस्ट सेम ही होता है, कभी सेम होता है डिफरेंट होता है। एक एप्लीकेशन है YouTube और एक यूट्यूब है, तो हम चेक करेंगे कौन सा तेज़ है। तो जो स्टॉक YouTube आया है वो काफ़ी तेज़ है। मैंने टेक्नो का फ़ोन कंपेयर किया था एक हुआवी के Y6P से, तो टेक्नो का फ़ोन काफ़ी स्लो था, लेकिन जब इन्फिनिक्स की बात करते तो वो काफ़ी तेज़ है। और दोनों में मेरा लॉगिन हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और स्पीडी खुल रहा है। तो जब जजमेंट की बात मैं करूँगा, तो मैं ओवरऑल पैकेज की बात करूँगा, प्राइसिंग की बात करूँगा, तो मुझे इन्फिनिक्स का फ़ोन ज़्यादा बेहतर लगा है। प्राइस वाइज काफ़ी अच्छा था, लेकिन हर बंदे की प्रायोरिटी होती है। इन्फिनिक्स के फ़ोन में आपको गूगल प्ले स्टोर मिलेगा, हुआवे के फ़ोन में आपको गूगल प्ले स्टोर नहीं मिलेगा, लेकिन एक हैसल वन टाइम हैसल है, लेकिन जब उस वन टाइम हैसल का उससे गुजर जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि फ़ोन कितना अच्छा है। सारी एप्लीकेशन आप डाल सकते हैं, मैंने अपने पिछले रिव्यू वीडियो में भी बताया था कि आप उसमें कैसे एप्लीकेशन डाल सकते हैं, मैं उसमें लिंक भी पोस्ट किया हुआ था। लेकिन जब मैं अगर मेरा पर्सनल हो देखा जाए, तो जो लोग स्मॉलर स्क्रीन या बेटर कैमरे क्वालिटी के साथ जाना चाहते हैं, चाहे हुआवे की जो कैमरा क्वालिटी है उसको कोई बीट नहीं कर सकता, इन्फिनिक्स उस लेवल पे नहीं है। इसकी कैमरा क्वालिटी हुआवे की काफ़ी बेहतर है, Y8P की और स्मॉलर है, थिनर है, लाइट वेट है। तो अगर आप लाइट वेट, थिनर और बेटर कैमरे के लिए जाना चाहते हैं तो आप Y8P ज़रूर लें, लेकिन अगर आपको दिल है लार्जर स्क्रीन साइज़, लोअर डिस्प्ले रेजोल्यूशन 720 की, तो और बेटर बैटरी लाइफ, तो आप इसके साथ जाएं। और उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा गिव अवे अनाउंसमेंट हुआ है Y6P का, उसका लिंक मैंने नीचे वीडियो में शेयर किया हुआ है, तो उसको जाके ज़रूर देखें। 30 जुलाई तक का मोस्ट प्रॉब्ली टाइम है, अगर एक्सटेंड करना होगा तो कर दूंगा। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, मेरी पिछली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिखूंगा वो कैसे करना है आप लोगों ने। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।